हेलो डियर लिसनर, डियर लिसनर्स, वी आर डूइंग यूनिट 4 फैंटेसी। फैंटेसी मीन्स इमेजिनेशन। एंड यस्टरडे वी रेड अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम फैंटेसी। टुडे वी विल टेक द सेक्शन ए ऑफ दिस यूनिट व्हिच इज गिवन ऑन पेज नंबर 67। सेक्शन ए 1। हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ पीपल डिफर इन अपेयरेंस एंड बॉडी स्ट्रक्चर? कि कभी आपने नोटिस किया है कि लोग जो है अपेयरेंस में एंड मीन्स देखने में और बॉडी स्ट्रक्चर से अलग लगते हैं? देयर आर सो मैनी वर्ड्स, कह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं डैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डिस्क्राइब करने में, किसको? पीपल को। डिस्क्राइब पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड वेट, उनकी हाइट और वेट के लिए। सो ये बोलने के यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम हाइट और वेट के लिए यूज़ कर सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो यू कैन सी हियर, देयर इज़ वन एक्टिविटी फॉर यू। फ्रॉम द ब्लर डिफरेंशिएट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब हाइट एंड वेट रिस्पेक्टिवली। तो ये रहे कि ब्लर जो ऊपर दिया गया है, यहाँ से हमें वर्ड्स को चूज करना है और नीचे दिए गए जो कॉलम्स हैं उनमें लिखना है, ठीक है, जो कि हाइट और वेट को डिस्क्राइब करते हैं। विच आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू, ये जो है मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर लिया है। तो हाइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डफ, ठीक है। डफ मीन्स छोटी हाइट के लोगों को बोलते हैं। टॉल, जो बहुत लंबा होता है। एल्फ, एल भी छोटी लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज़ होता है। जाइंट मीन्स वेरी बिग, ठीक है, जो बहुत बिग होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जाइंट। टाइनी मीन्स स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा। शॉर्ट का मतलब तो आपको पता ही, क्या होता है? छोटा, बिल्कुल। और हम वेट के लिए क्या यूज़ करेंगे? स्लिम, जो लोग देखने पतले होते हैं उनको क्या लगाते हैं हम? स्लिम। देन प्लम, प्लम मीन्स जो हैवी वेट के लोग होते हैं उनके लिए हम लगाते हैं प्लम। थिन, अगेन जो पतले लोग होते हैं उनके लिए थिन। देन लेन, लेन यूज फॉर द थिन पीपल, थिन होते हैं उनके लिए होता है। ओबेस, ओबेस, ओबेस किसके लिए होता है? जो ओवर वेटेड लोग होते हैं। और स्टाउट, जो छोटे और गठे हुए लोग होते हैं। आप देख सकते हैं आपको पिक्चर दी गई सबकी कैसा है, छोटा और गठे हुए लोग, ठीक है। इस पिक्चर से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है और हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डिफरेंट वर्ड यूज़ करके, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड वेट। सो डियर स्टूडेंट, वी विल कंप्लीट दिस एक्टिविटी लाइक दिस। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अपने आप भी कर सकते हैं यहाँ से। नाउ आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड डिस्कस विथ योर पार्टनर व्हाट इज हैपनिंग टू द मैन लेइंग ऑन द ग्राउंड। पिक्चर को देखना है ध्यान से और अपने पार्टनर के साथ इसे डिस्क्राइब करना था, बट वी ऑल नो डैट वी आर एट होम, तो हम ऐसे डिस्क्राइब अपने पार्टनर के साथ इसे डिस्कस नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ खुद ही देख के इमेजिन करने की यहाँ हो क्या रहा है, क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग टू द मैन, जो आदमी लेटा है उसका तो क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ ए 3, द मैन इन द पिक्चर गिवन अबव टेल यू हिज स्टोरी, जो ऊपर आदमी लेटा हुआ है वो एक क्या है, स्टोरी बता रहा है। रीड टू नो हाउ ब्राइट योर गैसेज वॉस, आप पढ़ कर देख के आप देखते हैं जो आपने गैस किया था क्या हो रहा था, क्या चीज़ थी यहाँ पर, क्या वो आपकी बिल्कुल सही है जो आपने सोचा था, कि क्या पिक्चर से देख कर आपको क्या पता लग रहा है, कौन आदमी है और उसके साथ क्या हो रहा है। नाउ वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इन द लैंड ऑफ लिलीपुट्स। स्टोरी का नाम है इन द लैंड ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट के लैंड में। तो पार्ट 1, अब ये जो मैन है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या क्या हो रहा है उसके साथ। व्हेन आई वोक अप,
जब मैं उठा आई रियलाइज्ड आई वॉज लेइंग ऑन द सी शोर। तो मुझे एकदम रियलाइज हुआ, मुझे महसूस हुआ कि मैं कहाँ लेटा हुआ हूँ, जो सी शोर है यानी कि जो सी का किनारा है वहाँ पर लेटा हुआ हूँ। दो आई फेल्ट वीक, और साथ ही साथ मैं अपने आप को बहुत वीक फील कर रहा हूँ, आई ट्राई टू स्टैंड अप, और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं खड़ा हो जाऊँ। माई लेग्स डिड नॉट मूव, बट जो मेरी लेग्स हैं वो मूव नहीं कर रही थी। आई ट्राइड टू टच माई लेग्स बट माई हैंड्स सीम्स स्टक टू द ग्राउंड। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी जो लेग्स हैं जो नहीं उठ रही है, मूव नहीं हो रही है, उसको टच करूँ, बट क्या है जो मेरे हाथ हैं वो ऐसा लग रहा है मुझे स्टक यानी कि चिपके हुए हैं ग्राउंड के साथ। ठीक है, देखिए पिक्चर में यहाँ पर देख ही रहे हैं आप, उसको फील हो रहा है, पर क्यों फील हो रहा है हमें बाद में पता लगेगा स्टोरी में कि क्यों हुआ था ऐसा इसके साथ। आई वॉज फ्रिटेंड, फ्रिटेंड मीन्स बहुत घबरा जाना, तो मैं बहुत डर गया था। आई राइज्ड माई हेड टू लुक अराउंड, तो मैंने अपना जो सर ऊपर उठाया देखने के लिए कि हो क्या रहा है। एंड वट आई सॉ वॉज हार्ड टू बिलीव, तो मैंने देखा तो मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, इट वॉज हार्ड टू बिलीव, मुझसे बहुत मुश्किल हो रहा है विश्वास करने में कि ये हो क्या रहा है। काउंटलेस लिटल मैन सराउंडेड मी, काउंटलेस यानी कि बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे मैन हैं, आदमी हैं, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। सम इवन वॉक्ड ऑन माई बॉडी, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि मेरी बॉडी के ऊपर वॉक कर रहे हैं। दे वर सो टाइनी, सो क्या वो कितने हैं, बहुत ही छोटे छोटे से हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं कि वो मेरी बॉडी पे भी वॉक कर रहे हैं। एंड दे हैड यूज टाइनी लेडर्स टू क्लाइम अप टू मी, और वो छोटी छोटी सी जो लेडर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो यूज़ कर रहे हैं मेरे ऊपर चढ़ने के लिए। टू टाई मी अप विथ लेदर स्ट्रिप्स, और कोशिश कर रहे थे कि मुझे जो लेदर की स्ट्रिप्स है उसे बांधा जाए। हैड आई ऑल ऑफ अ सडन बिकम अ जायंट, क्या मैं एकदम अचानक से बहुत बड़ा बन गया, इतना बड़ा हो गया कि जो दूसरे मैन है वो मेरे को छोटे लग रहे हैं। और वर दिस मैन डफ, या फिर वो जितने भी आदमी हैं वो क्या है, ड्रफ्स है, छोटे छोटे बौने लोग हैं। गैदरिंग ऑल द करेज आई हैड लेफ्ट इन मी आई आस्क वेयर आई एम, साथ ही साथ मैं अपना पूरा करेज इकट्ठा करता हूँ और उनसे पूछता हूँ, वेयर एम आई, मैं कहाँ पर हूँ, हु आर यू, तुम लोग कौन हो। एंड मैन हु स्टूड ऑन माई स्टमक रिप्लाई, और एक आदमी जो मेरी स्टमक के ऊपर है, ठीक है, वो रिप्लाई करता है, यू आर इन लिलीपुट, तुम जो है लिलीपुट में हो। सिंस यू आर नॉट अ लिलीपुटियंस लाइक अस, वी हैव टू मेक यू अ प्रिजनर, सो क्योंकि तुम लिलीपुटियन नहीं हो, मतलब लिलीपुट एक जगह है, तो वहाँ के जो रहने वाले लोगों क्या बोलेंगे, लिलीपुटियंस, तो तुम जो है लिलीपुटियंस की तरह नहीं हो, तो इसलिए हम तुमको क्या करने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं, प्रिजनर यानी कि तुम्हें कैदी बनाने वाले हैं। ठीक है, तुम्हें अपने कैद में रख लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टॉप हियर। इन दिस स्टोरी वी व्हाट वी हैव रेड के देयर इज़ अ मैन, यहाँ पर एक आदमी है और वो क्या है, एक सी शोर के सामने लेटा हुआ, तभी जो उसको होश आता तो क्या देखता है वो अपने आप को, कि उसकी लेग्स और हैंड्स मूव नहीं कर रहे, अपना हेड थोड़ा ऊपर उठाता है, चेक करता है क्या है, वो देखता है कि वो जो चारों तरफ से सराउंडेड है बहुत छोटे छोटे लोगों के साथ,
तो थोड़ा शॉक्ड होता है कि ये कौन है, ये तो मैं ही बहुत बड़ा हो गया हूँ, ये जो जो आदमी है यही बहुत क्या है, छोटे छोटे से हैं, क्या है, ड्रॉप्स हैं। ठीक है, तो वो शॉक्ड है, तो बहुत करेज इकट्ठा करके वो उससे पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम कौन हो। तो उसके स्टमक पे खड़ा हुआ एक जो लिली मैन है वो रिप्लाई करता है कि हम तुम लिलीपुट में हो, बट तुम जो है लिलीपुटियन नहीं हो, इस यहाँ पर रहने वाले निवासी नहीं हो, ठीक है, पीपल नहीं हो, तो हम क्या है तुम्हें जेल में डालने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, बट विल यू डू, यू विल रीड दिस पोएम, सॉरी